सो वेलकम टू माई चैनल गाइज। तो आज फिर से हम लोग ये होली का जो ड्राइंग बनाए थे उसका पार्ट टू है। तो गाइज इसमें मैं अपना नया एल्कोहल मार्कर्स का यूज़ करने वाला हूँ और एक पुराना बहुत पुराना हो चुका है ये ब्रश पेंस का यूज़ करने वाला हूँ गाइज। तो देखिए अब कैसा लगेगा ये होली का ड्राइंग। तो गाइज सबसे पहले मैं इस बॉय में कलर करने वाला हूँ जो मेरे एल्कोहल मार्कर से मैं करने वाला हूँ। तो मैं पहले ले चुका हूँ ये पेस्टल येल्लो, तो गाइस अब पेस्टल येलो ले लिया। फिर अब गाइस मैं पेस्टल येलो लेके अब ये फाइन टिप ऑन करने वाला हूँ। तो गाइस फाइन टिप ऑन करके मुझे ये सब कलर्स से बचा बचा के ये सब में कर देना है गाइस। तो गाइस अब पेंट करने वाला हूँ मैं ग्रे कलर से पेंट, और उसको भी मैंने फाइन टिप से ही मैं करने वाला हूँ गाइस। मेरा फाइन टिप से ये पैंट भी कंप्लीट हो गया। तो शूज़ के लिए मैं कूल ग्रे का यूज़ करने वाला हूँ। इसका थोड़ा सूख गया है, तो इसका मेरा लेट सूख गया था, तो मैंने इसमें सैनिटाइज़र डाल दिए, तो जिससे ये वाला फिर से ठीक हो गया है। तो गाइस आपका ये एल्कोहल मार्कर का थोड़ा ख़त्म होने से आप सैनिटाइज़र डाल सकते हो। तो गाइस अब मैं इसके हेयर्स में चल गया, तो हेयर्स का इस टाइप के थोड़े से ब्राउन ब्राउन टाइप के थे, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्राइप्स डालने के लिए ब्लैक किया। उस पर गाइस मैं चलाने वाला हूँ ब्राउन। गाइस मैं ब्राउन कलर ऑन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर से मैं ब्राउन को चला लेता हूँ पूरे हेयर में। इसको स्पीड एल्कोहल मार्कर को मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसको स्पीड में चलाने से ये इसका टिप सूख जाता है। गाइस अब इसका स्किन का बारी आ चुका है, तो मैं स्किन को करने नहीं वाला हूँ अभी, मैं कलर्स को पहले कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अभी ब्रश पेंस का यूज़ कर रहा हूँ पीछे का कलर्स को। गाइस मैं ऑलमोस्ट हो चुका है ओके। और गाइस थोड़ा थोड़ा जगह पे और एक बार ग्रीन का मतलब थोड़ा ग्रीन दे देता हूँ, जिससे अच्छा लगेगा देखने में। और गाइस इसका कलर में भी वाइल्ड में ग्रीन ही था, जहाँ से मैंने रेफरेंस नहीं है वहाँ पर ये ग्रीन ही था। सो गाइस मैंने यहाँ पर कर लिया। अब थोड़ा सा मैं स्काई ब्लू लेता हूँ गाइस स्काई ब्लू। तो गाइस स्काई ब्लू मैं इसके हाथ के रंगों में करने वाला हूँ। इस हाथ का रंग एक वाला पार्ट स्काई ब्लू, इसमें वो स्काई ब्लू, और पीछे के रंग में भी एक स्काई ब्लू था, तो मैं स्काई ब्लू कर लेता हूँ फर्स्ट से। गाइस हो चुका है। अब मैं करने वाला हूँ स्किन कलर। इसका स्किन कलर अब कर लेते हैं। तो मैं इसके लिए भी फाइन टिप का यूज़ करने वाला हूँ। गाइस ये बहुत हल्का चल रहा है क्योंकि इसका थोड़ा टिप सूख गया है, पर ये स्किन कलर हो जाएगा इस देख सकते हैं। तो ये इसका जब टिप सूख गया वो मुझे पता नहीं था, तो मैं अभी ब्रॉड टिप का यूज़ कर लेता हूँ तब, क्योंकि ब्रॉड टिप का सूखा नहीं है उतना। ब्रॉड टिप में मैंने सैनिटाइज़र डाला था, पर इसमें डालना मैंने भूल गया था। फिर मैं इसमें थोड़ा एक बार और चला लेता हूँ, इससे थोड़ा ये थोड़ा डार्क दिखता है, पर थोड़ा देर बाद जब ये सूख जाता है गाइस, तो ये मतलब स्किन कलर, तो ये बहुत लाइट हो जाता है। अभी देखिए गाइस मैंने अभी किया तो ये बहुत डार्क दिख रहा है गाइस आप लोग को, पर ये जब सूख जाता है तब ग्रीन हो जाता है, तो मतलब वाइट हो जाता है, मैंने ग्रीन बोल दिया। ठीक गाइस मैं स्किन कर लेता हूँ पहले। तो गाइस मैंने स्किन कलर कर लिया है, तो अभी मैं इसके मतलब बॉडी के कलर्स में अभी कलर कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर मैं स्काई ब्लू एक बार कर देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ले लेता हूँ। गाइस ग्रीन कलर यहाँ पर कर देता हूँ, और ग्रीन इसके भी थोड़ा सा कलर में था मतलब मैंने जहाँ से देखा है, तो ये थोड़ा सा स्ट्राइप्स टाइप का था, मैं स्ट्राइप्स बना देता हूँ यहाँ पर। ओके गाइस यहाँ पर मैंने स्ट्राइप और ग्रीन कलर में थोड़ा स्ट्राइप्स था। तो गाइस ये पूरा एकदम कलरिंग टाइप का मतलब कलरफुल दिख रहा है अभी। सो गाइस अभी मैं पिंक कलर ले लेता हूँ फर्स्ट।
और फिर ये पीछे वाले कलर्स में मैं कर देता हूँ। ओके गाइस, और यहाँ पर मैं ये रंगों में कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये एक साइड का मेरा रंग मेरा कंप्लीट हो गया। और गाइस इसके भी मतलब थोड़ा सा में पिंक कलर था और इसके मुँह के अंदर में मैंने कर दिया। तो अभी थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ इस गाइस रेड, क्योंकि इसके रेड मुंह में थोड़ा सा जाएगा इस गाइस। सो गाइस मेरा उलट गया था अभी। ओके तो अभी हो रहा है मेरा कंप्लीट हो गया था अभी, मतलब अचानक से मैंने कुछ कर दिया था। सो अभी मैंने रेड को यहाँ कर दिया, तो मैं इसके माउथ में थोड़ा रेड कर देता हूँ रेडिश। अरे मैंने इसका हाथ में भी स्किन कलर कर लिया था, मैं फिर इसमें मैंने करना भूल गया, मैं जल्दी में कर दिया। तो गाइस मैं अभी यहाँ से हाय रे वीडियोटाई ऑफ हो गई चलो। सो गाइस मेरा ऐसे इसलिए किया, मेरा अभी उलट गया था, फिर से उलटने वाला था। तो गाइस मैं यहाँ पर जल्दी से कर देता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर पिंक कलर कर दिया और इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मैं इस टाइप ये वाला ओशन ब्लू वाला कलर देने वाला ये ब्रश पेन से मेरा, तो ओशन ब्लू वाला कलर देते हैं। तो मतलब डॉम्स के कलर में पता नहीं लेयर बन जाता है। कैमलिन का कलर मतलब ब्रश पेन थोड़ा अच्छा है इससे। तो गाइस मैंने यहाँ पर कर लिया और इसकी यहाँ पर मेरे एक दूसरे हाथ का भी कलर कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर पीछे का कलर। तो गाइस अभी कलरफुल दिख रहा है। ओके गाइस मैं यहाँ पर इसका थोड़ा थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। तो गाइस अभी मेरा मतलब इतना तक तो हो गया। अभी विडेड पर्पल मैं ले रहा हूँ एल्कोहल मार्कर्स का। सो गाइस विडेड पर्पल से मैं अभी करने वाला हूँ इसका जो कलर था उसमें मैंने कर दिया विडेड पर्पल से। और इसका जो इसमें था इसमें थोड़ा स्ट्राइप्स था क्योंकि ये पिंक कलर था। तो गाइस मैं देख सकती हूँ यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, पिंक पर्पल। सो गाइस पिंक पर्पल तो अलग होता है, पिंक भी अलग होता है पर्पल भी अलग होता है, पर इसमें पिंक पर्पल। नो गाइस यहाँ पर पिंक पर्पल नहीं सर, गाइस यहाँ पर पेल पर्पल लिखा हुआ है गाइस। सो अभी यहाँ पर मैं हो गया, तो यहाँ पर मैं ग्रीन करूँगा, ये सब मैं थोड़ा ग्रीन कर दिया। फिर ये वाला कलर फिर से एक और बार ले लेता हूँ और इससे मैं कर देता हूँ ये वाला वाटर बलून, ये वाला वाटर बलून। गाइस इतना हो जाने के बाद फिर गाइस मैं ये येल्लो ही लेने वाला हूँ, फ्लोरोसेंट येल्लो गाइस, क्योंकि पेस्टल येल्लो भी मेरा कोई काम नहीं है पेस्टल येल्लो में। तो फ्लोरोसेंट मैं ले रहा हूँ, फ्लोरोसेंट से गाइस मैं पीछे का कलर कर देता हूँ। नहीं फ्लोरोसेंट से पीछे का कलर करेंगे, पर उससे पहले इसका पिचकारी मैं मतलब कर देते हैं। और इसका मतलब फाइन टिप से नहीं होने वाला पीछे का कलर, तो इसमें ब्रॉड टिप यूज़ करना चाहिए। सो क्योंकि गाइस ये फाइन टिप को ज़्यादा देर चलाने से ये सूख जाता है और रेस्ट लेता है, रेस्ट मतलब बहुत देर लग जाता है इसको रेस्ट लेने में। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी बना ले रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ पर येल्लो हो चुका है। गाइस मैं इस साइड का भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो अभी मैं इस गर्ल के बाल में मैं कलर करने वाला हूँ यस गाइस। ये गाइस ये मैं फाइन टिप से नहीं कर पाऊँगा यस गाइस, फाइन टिप से नहीं कर पाऊँगा इसका, कुछ ज़्यादा ही बाल है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको अगर ये वाला वीडियो का आप स्केचिंग नहीं देखे तो ये आप बना नहीं पाएंगे, क्यों मतलब बना सकते हैं इसको देख के, पर आपको पोज कर करके बनाना पड़ेगा इसका कलर। तो आपको स्केचिंग मेरे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे स्केच। तो गाइस यहाँ पर मेरा हो चुका है। तो अभी इसके मतलब पैर के लिए यहाँ पर मुझे फिर से यही वाला कलर लेना पड़ेगा जो इसके फ्रॉक में है, तो फ्रॉक का ही कलर इसमें भी चल जाएगा।
अभी ब्रश पेंस को मैं ब्राउन लेने वाला हूँ, जिससे मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे कर देने वाला हूँ। ओके ओके हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मेरा हो गया, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। ओके और गाइस इसके पिचकारी में भी मैं कलर कर देता हूँ। गाइस का पिचकारी भी कलर हो चुका है। सो गाइस अभी ज़्यादा बाकी तो नहीं है। सो गाइस मैं यहाँ पर अभी और मैरी गोल्ड ले रहा हूँ। मैं मैरी गोल्ड, सो मैरी गोल्ड से गाइस मैं पीछे का ये वाला कलर मैं कर देता हूँ। सो गाइस अभी मैं फ्लिस से फेवरा सेंट ले रहा हूँ और इसमें गाइस मैं यहाँ पर कलर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर दिया, ये मेरा यहाँ पर। और गाइस आप लोगों को बोलना भूल जाती है, देखिए स्किन लाइट हो गया गाइस। यही है मतलब यही इसका खासियत है कि इसमें पूरा डार्क दिखा देगा, फिर उसके बाद लास्ट में स्किन को मतलब ऐसे करेगा। तो मैं अभी विडेड ग्रीन ले लिया और इसके से मैं इसका ये वाला बकेट भी बना दे रहा हूँ। गाइस ये वाला बकेट भी मैं बना दिया। अब सिर्फ ये गर्ल के स्किन को स्किन कलर बाकी है अभी। ओके गाइस ये फाइन टिप में फिर से खोल दिया। चल नहीं रहा, मतलब रेस्ट का टाइम हो चुका है। गाइस अभी ये सूखने दीजिए गाइस। ओके तो अभी का बन चुका है। तो मैं अभी यहाँ का शेडो बना देता हूँ, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ फाइन टिप और कूल ग्रे का ही यूज़ करने वाला हूँ इसमें। तो यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। गाइस अल्कोहल मार्कर से मैंने दो वो एनिमी का ड्राइंग बनाया गाइस। अल्कोहल एक पूरा अल्कोहल मार्कर से बनाया था और पेंसिल कलर, और दूसरा वाला जो था वो मैंने बहुत सारे मतलब ऑयल पिस्टल्स का यूज़ किया, पेंसिल कलर का और अल्कोहल मार्कर का, ये तीनों का यूज़ करके गया था गाइस। इसका भी मतलब एक शॉट के रूप में आप लोग को मिलने वाला है मेरे चैनल में। तो अब मतलब अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया पर हो जाएगा गाइस, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हो जाएगा ज़रूर। ओके गाइस ये मैंने यहाँ का शेडो भी बना दिया गाइस। ऑलमोस्ट मेरा होली का कलर पूरा एकदम हो चुका है, मतलब होली का ड्राइंग। तो अब थोड़ा सा से बाकी है। गाइस वेट करने का समय चल गया। सो 3 2 1 ये बन चुके हैं हमारी होली की ड्राइंग। अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों का अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय।